आने वाला 15 अगस्त को, 15 अगस्त जो बोलते हैं हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका कुछ क्राइटेरिया रहेगा है ना, जो हमारा 78 नहीं हो रहा भाई क्लिक। 15 अगस्त आने वाला है, हम लोग लगातार हाँ ये क्या बोल 78वां 15 अगस्त तो सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें जो भी हम ओकेजन्स कर रहे हैं, किस तरीका से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, हम क्या क्या करने वाले हैं, वो सारा चीज़ें हम क्या करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमारा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जो हम आपको बताने के लिए किए हैं, ठीक है ना। उसमें आपका जो है, आप बताओ, ठीक है ना, पूरा जो आप लिखे हो ना वो ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो स्टेप है कि मतलब 15 अगस्त को क्या क्या करना है, पूरा दिन का शेड्यूल है, ठीक है, तो सारा चीजें डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से आज से ही आपको एक रूटीन हम देंगे, समझ गए, और रूटीन को फॉलो करना है, क्लियर है ना। तो ये बात ध्यान रहे, जिसमें आपका मॉक ड्रिल रहेगा, आपका ट्रेनिंग रहेगा, आपका परेड रहेगा, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे सूरज, ठीक है। ठीक है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? मेडिकल हेल्थ सही है ना सभी का? ठीक है। अभी हमारा 15 अगस्त आ रहा है, देखो उधर से वो हमारा सेफ्टी 78 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम 78 मतलब 18वां सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन क्या रहेगी? स्टार्टिंग आपसे होगी। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगा तो स्टार्टिंग आपसे होगी, आपकी मार्चिंग, आपकी परेड। ठीक है, तो वो सैल्यूट जाना, फिर नेशनल एंथम गाना, सब सभी को पता है ना नेशनल एंथम। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें करनी है। तो उस चीज़ें की हमारी आज प्रैक्टिस प्रैक्टिस थी, जो कि सभी लोग आप प्रेजेंट नहीं हो पाए हो। ठीक है, फिर भी हम बताते हैं, सुपरवाइजर है आपके पास में, आपके टीम के सारे मेंबर हैं ना, आप तो ठीक है, तो आप सुपरवाइजर ये हो। जो मेंबर हैं, ठीक है, आप इनको हमेशा गाइड करेंगे। आप लोगों को जो बताया जा रहा है परेड के बारे में, ठीक है, मार्चिंग के बारे में, तो वो सब चीजों को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमारा जैसे हम जो बोलते हैं विश्राम सावधान, तो हमारा कौन सा पैर आगे की तरफ जाता है, मतलब विश्राम सावधान के लिए, राइट या लेफ्ट? हम सूरज एक काम ठीक है, करते हैं, ऐसा करते हैं कि देखो अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वो इन टीम के साथ अभी मतलब ये जो हमारा 30 कितना है, 27 है ना, पूरा टीम 27 है, हम दो टीम बांट देंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट में लोग कुछ रहेंगे तो पहले आ नहीं सकते ना, तो हम दो 27 है ना, तो 27 को क्या करेंगे मतलब ना, दिन वाला और जो 9 बजे तक वाला सेकंड शिफ्ट, मतलब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को दो और एक को रात वाले को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरीका से हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग नहीं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और वो प्रैक्टिस आपका जो है ना ICR 3 में रखते हैं, क्लियर है, ICR 3 में हम रखते हैं, क्योंकि दोनों टीम उधर मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो अभी जो अपना प्रैक्टिस जो दहीने भाई आज रहने दो, आज इनको आप वो सिर्फ बता देना है कि हम क्या क्या करने वाले उस दिन, वो माइंड सेट आप रख लीजिए, समझ गए। जैसे ना वो किधर है जो लिखा था ना, वो कागज में लिखा था ना, थोड़ा देना, समझ गए ना, उस दिन का एक्टिविटी हम आपको बताने वाले हैं, जो आप माइंड सेट रखिएगा और उस हिसाब से बस काम करिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होएगा, आपका पहले तो वेल डिसिप्लिन का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, डे आज से ही शुरू करते हैं। उस दिन सब लोग शेविंग प्रॉपर रहेगा, सबका मुस्टाज और ये बियर्ड प्रॉपर होना चाहिए, सबके पास वर्दी मतलब ये यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, जिसका नहीं है वो अगर पीछे वाला होएगा तो वो लगा लीजिएगा, नहीं तो एक अच्छा सा अपना जो जूता रहेगा आपका रहेगा ना, वो खुद का तो जूता रहेगा ना घर का, तो वो डाल लीजिएगा, ठीक है, कैप रहेगा ना वो डाल लीजिएगा, और फॉर्मल अपना जो ड्रेस है, अगर अभी तक एजेंसी नहीं दी है तो हम अप्रोच कर रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिसिप्लिन। नंबर सेकेंड कि आपको डेली बेसिस पे कल से, ठीक है ना, अभी कितना दिन है, आज कितना तारीख हो गया, 9 8 आठ ना, आठ मतलब ना हो सकता है 11 तारीख, कब से शुरू कर रहे हैं, 11 से शुरू करें क्या लगातार वाला रोज का इनका ग्यारह प्रैक्टिस, से कल से 11 से शुरू करते हैं, ठीक है ना, मतलब 11 12 13 14, ठीक है ना, 4 दिन हम लगातार करेंगे, ठीक है, समझ गए। ये सारा टीम को आपको बताना रहेगा, हम भी मैसेज डाल देते, क्लियर है। उसमें हम ये जो हमने परेड बताया ये आपका, और परेड सब शुरुआत ही आपको बताएंगे किस तरीके से गाइड करेंगे, और जो आप में एनसीसी वाले बंदे दो होंगे ना, वो दो टीम के लिए करेंगे, मतलब एक एनसीसी टीम किया है किसी ने? आपने किया ना, आप अपने टीम को करोगे, फिर वो रात वाले जो होंगे वो उसके टीम के लिए हायर करो, ठीक है ना, उसमें से,
समझ गए। तो प्रॉपर परेड होना चाहिए, जो भी एक होता है ना वो होना चाहिए। फिर हमारा जो शेड्यूल है क्या कि आपका देखिए उस दिन का जो फर्स्ट दिन का नेशनल एंथम सबको याद होना चाहिए। सबको बोले तो अपना जो राष्ट्रीय गान है मालूम है नेशनल एंथम ना, जन गण मन अधिनायक जय है, वो टाइमिंग होता है 52 सेकेंड, है ना, 52 सेकेंड के अंदर। वो भी सब प्रैक्टिस कर रहे ना कि 52 सेकेंड के अंदर हम क्या करें और पूरा बोल दे। दूसरा हमारा जो मतलब सबसे पहले क्या होएगा, आप देखो आपने ये चीजें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। सबसे पहले परेड, ठीक है, परेड और जो सावधान विश्राम परेड वगैरह और सल्यूट, है ना, अपने सीनियर्स को सल्यूट, है ना, जितने भी लोग हैं वहां सैल्यूट करके फिर उसके बाद होगा शुरू नेशनल एंथम। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो होएगा मार्चिंग मार्चिंग, ठीक है, मार्चिंग समझ में आता है क्या? मार्चिंग मतलब बोले तो करते ना मार्चिंग, ठीक है। उसके बाद यार तुम ये उल्टा कर दियो, पूरा सिस्टम ही सर, उल्टा है। मैंने लिखा था अरे आपको नहीं थोड़ी नहीं सर से। देखो अभी मैं ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना, समझो। जो हर जगह फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, परेड करना है, प्रैक्टिस कर जो हम लोग 4 दिन करेंगे वो दिखाना है उस दिन, परेड करना है, मार्चिंग करना है। हम 4 दिन में कवर करेंगे कैसे करना, मैं आपको बता दिया। फिर हमारा राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद जो आपका स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा वहां पे, नहीं पहले राष्ट्रगान के बाद हमारा भाषण होएगा, जो जिसको तो बताया ना, नहीं बोला हाँ क्या? वो होगा ना, मतलब देखो आप मार्चिंग करने के बाद सब कुछ करने के बाद फ्लैग होस्टिंग, हमारा जनगणमन वही भूल गया, फ्लैग होस्टिंग ही भूल गया, फ्लैग होस्टिंग, जनगणमन, नेशनल एंथम। फिर उसके बाद जिसको अपने अभी से बता दीजिएगा, अगर इनको बताना होगा तो कोई अगर बोलना चाहे राष्ट्र हमारे देश के बारे में या कुछ भाषण देना या किसी तरह का आपको मन में आ रहा होगा कि हमें सिंगिंग करना हो या किसी तरह का कुछ करना हो तो इनको बता दीजिएगा। देशभक्ति गीत समझ किसको गए? गाना है या कुछ करना है क्लियर है तो ना? तो इनको बता दीजिएगा अपने टीम से, सिक्योरिटी टीम से कम एक आदमी तो रहना चाहिए, एक नहीं तो दो रहना चाहिए, वो बेटर है। समझ गए? दो आदमी आप लोग निकाल लो सुपरवाइजर, ठीक है ना, दो आदमी ऐसा चुनो जो कि बोल सके। क्लियर है? हम उसके लिए कुछ करेंगे। क्लियर है ना? उसके बाद सब लोग जो भी है बोलेंगे, बोलने के बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेशमेंट के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, सबको नाश्ता वगैरह जो भी है करेंगे। फिर उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद जो भी करके फिर अपना एंड रिलीज करें। और हाँ करेंगे। एक मॉक ड्रिल भी होएगा उस दिन, है ना, अब बता दो वो चीजें। फाइव फाइटिंग का होगा तो हमारी टीम से होगा ना सर, हाँ वो मतलब मतलब आपको रहना आपको जरूरी हर है, एक्टिविटी में प्रेजेंट रहना उस दिन, ठीक जरूरी है। है, आप रहोगे तो आपको पता रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना कैसे, ठीक समझ गए क्या? है। हाँ इसके लिए हम अभी आपको हम आज से ही शुरू करते मार्चिंग वगैरह जो भी जिस तरीके से आज हम शुरू कर देते, फिर अल्टरनेट करते आज से। अब आपको 11 तारीख से डेली आना पड़ेगा, समझ गए? आज से शुरू करते तो रोज नहीं करते, एक दिन छोड़ के करते अल्टरनेट, बट वो लोग नहीं आए तो हम आज कर रहे। ये चीजें ब्रीफ हो गई, फिर उनको आप बता दीजिएगा, ठीक है, समझ गए? इस आज के लिए इतना ही, लेकिन बात ध्यान में रखिएगा कि 11 तारीख से हम शुरू करेंगे। दो टीम रेडी करिए और नाम दीजिए उस टीम में कौन कौन रहेगा, 4 दिन उसी टीम में वो लोग रहेंगे, ठीक है ना। सुपरवाइजर का जिम्मेदारी रहेगा, एक टीम आपका और दूसरा टीम उनका, जो भी है दो ही सुपरवाइजर गाइड करेंगे, जो कि नहीं एनसीसी नहीं वाले वो होंगे। चीज पहले हम करेंगे उसके बाद वो गाइड करेंगे ना सर। क्या आप बताना चाहिए ना किधर से कैसे देखो करना आप है। लोग जो अभी ट्रेनिंग आई है ना, जो आप लोग अभी आप लोग आए हो सारे लोग, कल से डेली 3 दिन आना है, ठीक है, 4 दिन, 9, 10, 11, 12 से आप खुद अपना करोगे 2 दिन, 14 तारीख को मैं शाम को या फिर उस समय लेके फिर सबका मैं देखूंगा, ठीक है, कैसा करके। 15 तारीख को मैं आपको हेल्प करने नहीं आऊंगा, आपके सुपरवाइजर आपके रहेंगे, वो मॉनिटर करेंगे आप क्या कर रहे हो, वो आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइजर को, जो 3 सुपरवाइजर उनको पर्सनल ट्रेनिंग मैं खुद दूंगा डेली वाइज, इनका डेली चलेगा, लेकिन सबके साथ में 3 दिन का रहेगा, बाकी के 3 दिन ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका और इनका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो उस दिन आऊंगा नहीं आपको गाइड करने के लिए, तो इनका और आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और इनको गाइड करना मेरा जिम्मेवारी है, ठीक है। और 14 तारीख को ठीक 15 तारीख से दिन पहले हम सभी लोग उस चीज का प्रैक्टिस करेंगे, हमें करना क्या होगा लाइव, यहाँ पे हमारे पास फ्लैग है, ठीक है, हम वहां पे लाइव करेंगे हमें करना क्या है, जो कि हमारा परेड ड्रिल होगा, ठीक है। तो हम 15 अगस्त एक दिन पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 15 अगस्त को आप खुद करोगे आपको क्या करना है, जैसा हमने ट्रेनिंग दिया रहेगा, जैसा हमारे अकॉर्डिंग जैसा हमने बताया रहा होगा वैसा करना है आपको, ठीक है। हमारा क्या रहेगा प्रोसीजर उस दिन का, सबसे पहले मार्चिंग करना है, ठीक है, जैसे कि सारे लोग चले, हमारी पूरी टीम रहेगी वहां पे, वो लोग एक तरफ आप लोग एक तरफ, ठीक है, मार्चिंग करके आप लगाओगे, फिर हमारा परेड रहेगा सावधान विश्राम, ठीक
ठीक है, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज आपको दिखाना होगा वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा वहां पे आओगे, नेशनल एंथम स्टार्ट होगा। नेशनल एंथम स्टार्ट होने से ठीक पहले सभी लोग अपने को जैसे सिखाया है स्कूल में बचपन से, ठीक है ना, कि पहले होती है फ्लैग होस्टिंग, वैसे ही फ्लैग होस्टिंग होते ही हम लोग ये करके सलामी देके वो राष्ट्रीय गान चालू कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये प्रोसीजर स्कूल में जैसी होती है वैसे इधर फॉलो करो। अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोग गाइड ले सकते हो, हाँ। मतलब हम गाइड करेंगे, बट यूट्यूब वगैरह है ना, आप मार्चिंग सावधान विश्राम शाळेत करायचे, तुम्हाला तर माहिती आहे ते करायचे, त्याच्यानंतर काय व्हायचं, त्याच्यानंतर तुमचं व्हायचं राष्ट्रगान, म्हणजे फ्लॅग होस्टिंग कोणतंय तुमचा प्रिन्सिपल बाहेर कोणी आहे का देख ना, मग राष्ट्रगान व्हायचं, मग तुम्हाला बिस्किटचे पुढे भेटायचे लहानपणी, मग भेटायचे, म्हणजे असं हे आहे। तर तशी प्रोसिजर इथे आहे, जास्त काय करायची गरज नाही, समजले, ठीक आहे, समजले, ओके बस इतना ही था, और कुछ बोलना है क्या नहीं, बस ठीक है ठीक है, बंद करो।